हेलो गाइस, इस वीडियो में हम रिव्यू करेंगे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के एजुकेशन लोन्स के बारे में और समझेंगे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया एजुकेशन लोन्स के फीचर्स, स्पेसिफिकेशन और इंटरेस्ट रेट को। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया से आप चार किस्म के एजुकेशन लोन ले सकते हो। नंबर एक है सेंट विद्यार्थी लोन, नंबर दो है सेंट विद्यार्थी लोन फॉर एग्जीक्यूटिव MBA, नंबर तीन है सेंट स्किल लोन, नंबर चार है IIM और अदर प्रीमियर इंस्टीट्यूट से MBA करने के लिए लोन। अब हम जानेंगे विद्यार्थी स्कीम के फीचर्स। सेंट्रल बैंक से आप यह लोन ले सकते हो भारत या फिर भारत से बाहर हायर स्टडीज़ के लिए। इस लोन के लिए स्टूडेंट का भारतीय नागरिक होना जरूरी है। जिस कोर्स के लिए स्टूडेंट लोन लेना चाहता है उस कोर्स के लिए उसका एडमिशन कन्फर्म होना जरूरी है। इस लोन में कॉलेज और स्टडी के सभी खर्चे जैसे कि कॉलेज, स्कूल, हॉस्टल का फ़ी, लाइब्रेरी या फिर एग्जामिनेशन का फ़ी सभी कवर होंगे। इस स्कीम में आप अधिकतम लोन ले सकते हो 200 लाख तक। 4 लाख तक के लोन के लिए कोई मार्जिन नहीं है। 4 लाख से ऊपर के लोन के लिए भारत में स्टडी के लिए 5% मार्जिन है और भारत से बाहर स्टडी के लिए 15% मार्जिन है। इस लोन के लिए आपको 1% इंटरेस्ट में छूट मिल सकता है। बैंक द्वारा लोन का पेमेंट डायरेक्ट कॉलेज, हॉस्टल या फिर मेस के लिए कर दिया जाता है। आप मैक्सिमम लोन ले सकते हो 15 साल के लिए। इस लोन पर मोराटोरियम पीरियड मिलेगा आपको कोर्स पीरियड प्लस 1 साल, यानी कि कोर्स ख़त्म होने के 1 साल के बाद ही आपने लोन का पेमेंट करना है। 4 से 7.5 लाख तक का लोन NCGTC गारंटी में मिलेगा। 7.5 लाख से ऊपर के लोन के लिए स्टूडेंट के साथ पेरेंट्स का को एप्लीकेंट होना जरूरी है। इस लोन के लिए स्टूडेंट के पास लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी होना जरूरी है। इस लोन पर प्रोफेशनल और टेक्निकल कोर्सेज के लिए आपको सब्सिडी भी मिलेगा। नंबर दो प्लान जिसके तहत IIM और अदर प्रीमियर इंस्टीट्यूट में आप MBA के लिए लोन ले सकते हो। इस लोन के लिए स्टूडेंट का भारतीय होना जरूरी है और स्टूडेंट को 2 साल का एक्सपीरियंस हो गवर्नमेंट, कॉरपोरेट और मल्टीनेशनल कंपनी में। इस लोन के लिए भी स्टूडेंट और पेरेंट्स का को एप्लीकेंट होना जरूरी है। आप मैक्सिमम लोन ले सकते हो 40 लाख तक, मार्जिन कोई नहीं है। इस लोन के लिए किसी भी कोलैटरल सिक्योरिटी का जरूरत नहीं है। लोन पे अभी इंटरेस्ट रेट 8.1 से लेके 8.2% तक है। इस लोन का EMI शुरू होगा कोर्स ख़त्म होने के 3 महीने बाद और मैक्सिमम लोन ले सकते हो 12 साल तक। इस लोन में आपके इंस्टीट्यूट, कोर्स, हॉस्टल और स्टडी के सभी खर्चे शामिल होंगे। इस लोन पर लोन प्रोसेसिंग फ़ी नहीं है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया वेबसाइट पे जाके आप सभी प्रीमियर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट के बारे में जानकारी ले सकते हो। नंबर तीन है स्किल लोन। इस लोन के लिए स्टूडेंट का भारतीय नागरिक होना जरूरी है। सरकारी कोई भी स्किल डेवलपमेंट कोर्स के लिए आप यह लोन ले सकते हो। आप लोन ले सकते हो 50,000 से लेके 1,50,000 रुपये तक। इस लोन पर 5% मार्जिन है। इंटरेस्ट रेट है 11.15 से लेके 11.20%। इस लोन पर कोई भी लोन प्रोसेसिंग फ़ी नहीं है। इस लोन के लिए किसी भी कोलेटरल का जरूरत नहीं है। आप मैक्सिमम लोन ले सकते हो 3 साल से 5 साल के लिए। नंबर चार प्लान IIM और अदर प्रीमियम इंस्टीट्यूट से MBA के लिए है। इस लोन की टर्म एंड कंडीशन इस वीडियो में पहले बताए गए नंबर दो प्लान के अनुसार ही है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया एजुकेशन लोन के इंटरेस्ट रेट बैंक द्वारा समय समय पर चेंज किए जाते हैं। लेटेस्ट इंटरेस्ट के लिए आप बैंक वेबसाइट विजिट कर सकते हो। इस लोन के लिए स्टूडेंट या फिर को एप्लीकेंट को लोन KYC के लिए आइडेंटिटी और एड्रेस प्रूफ देना होगा, जैसे कि आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आइडेंटिटी कार्ड या फिर पासपोर्ट। इसके अलावा स्टूडेंट को कोर्स एडमिशन कन्फर्मेशन लेटर भी देना होगा। स्टूडेंट के पेरेंट्स को 2 से 3 साल का इनकम टैक्स रिटर्न का कॉपी देना होगा, 6 से 12 महीने का बैंक स्टेटमेंट का कॉपी देना होगा। लोन संबंधी किसी भी प्रकार की समस्या के हल के लिए या फिर और जानकारी के लिए आप सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया कस्टमर केयर टोल फ्री नंबर 1800-300-300 के ऊपर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। प्लीज़ आप कमेंट में बताएं सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया एजुकेशन लोन के फीचर्स आपको कैसे लगे हैं, आपका एक्सपीरियंस सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के साथ कैसा रहा है। इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। औरों की जैसी गलती आप ना करें। सब्सक्राइब के साथ साथ नोटिफिकेशन वाले बेल को ऑल पे टिक जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।